नमस्कार दोस्तों कंपटीशन कम्युनिटी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है इस ऐसा ही विशेष कक्षा में मैं अनिकेत देवांगन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अर्थव्यवस्था से संबंधित एक नया चैप्टर और इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नावली पे फिर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे तो चलिए देखते हैं आज की विषय सूची क्या है तो आज की विषय सूची जो है वो है मेनली यहाँ पर कुछ आर्थिक यहाँ पर समस्याओं के पीछे या आर्थिक समस्या क्या होती है जो सीधी सी बात है यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जिसके कारण यहाँ पर मार्केट में इम्बैलेंस की स्थिति क्या होती है यहाँ पर उत्पन्न होती है और इस इम्बैलेंस के कारण हम क्या देख रहे हैं उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट यहाँ पर देश के लोगों के ऊपर में यहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति में पड़ता हुआ यहाँ पर नज़र आता है तो हम क्या देखते हैं कि कुछ यहाँ पर समस्याओं के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है और इस समस्या से हम कैसे यहाँ पर निजात यहाँ पर पाएंगे इस समस्या को कैसे हम लोग यहाँ पर दूर करेंगे इसके बारे में भी आगे कुछ चैप्टर में हम लोग यहाँ पर चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याओं के बारे में आज मेनली हम लोग यहाँ पर आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे वो है मुद्रा स्फीति दूसरा हम हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा संकोचन और निष्पन्द स्थिति स्फीति आदि से संबंधित कुछ यहाँ पर प्रश्नावली की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनका यहाँ पर मापन किसी भी अर्थव्यवस्था में कैसे यहाँ पर किया जाता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे चर्चा करेंगे तो चलिए बिना देर किए हम लोग बढ़ते हैं आज के प्रश्न में पहले प्रश्न में पहला प्रश्न है मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित यहाँ पर किया जाता है तो हम क्या देख रहे हैं मुद्रा या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर मनी और मनी के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर मनी के किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्सपेंशन की बात कर रहा है को श्रेष्ठ तरीके से यहाँ पर वर्णित किया जाता है तो हम क्या देख रहे हैं कि मनी और यहाँ पर मनी सप्लाई की यहाँ पर क्या की जा रही है बात की जा रही है और यहाँ पर मनी सप्लाई के प्रसार की यहाँ पर बात की जा रही है दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि मनी सप्लाई क्या हो रही है यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और जब जब हम लोग देखते हैं कि मार्केट में या किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी बाज़ार में जब मनी सप्लाई क्या होता है यहाँ पर अधिक होता है दैट मीन्स लोगों के पास में यहाँ पर ज़्यादा पैसा पहुँचता है और जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसा पहुँचता है लोगों के वॉलेट में ज़्यादा यहाँ पर पैसा होता है तो लोग ज़्यादा से ज्यादा खर्च करने की क्या करते हैं, यहां पर कोशिश करते हैं। और खर्च करने की जब यहां पर कोशिश करते हैं, तो डिमांड और, जब जब तो और सप्लाई का रूल यहां पर क्या है? कि जब जब यहां पर वस्तु की डिमांड अचानक से बढ़ती है उस हिसाब से यहां पर उस वस्तु की सप्लाई नहीं हो पाती तो हम लोग क्या देख रहे हैं उस वस्तु का प्राइस भी धीरे धीरे क्या होते जाता है यहां पर बढ़ते जाता है तो इस स्थिति को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं जब आ, बाजार में मनी सप्लाई के रिस्पेक्ट में हम क्या देख रहे हैं किसी वस्तु की सप्लाई यहाँ पर क्या हो जाए कम हो जाए और उसकी डिमांड यहाँ पर क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो हम क्या देखते हैं उनका प्राइस धीरे धीरे क्या होते जाता है यहाँ पर बढ़ते जाता है और यह स्थिति कहलाती है मुद्रा स्फीति तो मुद्रा के प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जाता है ऊंची कीमतों पर यहाँ पर सामान्यतः हम लोग क्या देखेंगे कि अचानक से वस्तुओं के प्राइस क्या होने लगेंगे यहाँ पर बढ़ने लगेंगे और इस स्थिति को हम लोग ही क्या बोलते हैं यहाँ पर मुद्रा स्थिति या सामान्यतः महंगाई की स्थिति चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते पे दैट मीन्स डिमांड डिपॉजिट में सेविंग अकाउंट में बोल सकते हैं मैं रुपए एक लाख की नगद यहाँ पर निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तत्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर दैट मीन्स मनी सप्लाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा दैट मीन्स यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अपने मांग जमा खाते पर दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं आपके आपने यहाँ पर अपने सेविंग अकाउंट से या फिर हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर करेंट अकाउंट वगैरह से एक लाख की नगद राशि यहाँ पर या कैश की राशि यहाँ पर क्या कर रहे हैं निकाल ले रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में मनी सप्लाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा तो हम क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा चलिए पहले ऑप्शन में आते हैं हम लोग मुद्रा की समग्र पूर्ति में एक लाख की कमी आ जाएगी बिल्कुल कमी तो नहीं आएगी भाई क्योंकि ये पैसा कहाँ पे पहुँच रहा है मार्केट में ही पहुँचेगा दूसरा मुद्रा की समस्त पूर्ति में एक लाख रुपये की वृद्धि होगी क्या ये उत्तर सही हो सकता है बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्यों मुद्रा की समग्र पूर्ति में एक लाख रुपये से अधिक की वृद्धि होगी ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भाई एक लाख यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर पहुंच रहा है कहाँ कहाँ से पहुंच रहा है कमर्शियल बैंक से पहुंच रहा है तीसरा चौथा हम लोग देखते हैं मुद्रा की समग्र पूर्ति अपरिवर्तित रहेगी ऑप्शन क्या होगा इसका डी होगा अभी इसका उत्तर सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन डी क्यों है इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति जो है कमर्शियल बैंक के अपने यहाँ पर सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट या डिमांड डिपॉजिट अकाउंट से एक लाख रुपये यहाँ पर निकाल रहा है दैट मीन्स वो ऑलरेडी पैसा किसका है यहाँ पर जनता का है और जनता अपना ही पैसा वहाँ पर निकाल रहा है कमर्शियल बैंकों से निकाल रहा है तो यहाँ पर वो पैसा मुद्रा स्फीति या मनी सप्लाई को यहाँ पर नहीं बढ़ाने वाला क्यों नहीं बढ़ाने वाला चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं देखो कभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मनी सप्लाई है ठीक है वो टॉप मतलब एक स्तर से लेकर दूसरे स्तर तक पहुंचती है तो इसकी एक हरारकी है इस हरारकी को अगर आप लोग यहाँ पर समझ जाएंगे तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे कभी भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग उसको यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर लगा पाने पे सक्षम होंगे तो हम क्या देख रहे हैं सबसे पहले टॉप स्तर पर होता है जो कि मनी सप्लाई को यहाँ पर कंट्रोल करने का काम आ, करता है या मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का यहाँ पर काम करता है वो कौन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हम क्या देखते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कमर्शियल बैंकों के लिए क्या करता है यहाँ पर पॉलिसी जारी करता है और उस हिसाब से कमर्शियल बैंक अपनी पॉलिसी कस्टमर के लिए यहाँ पर क्या करते हैं सेट करते हैं देखो हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंकों के पास में होता है कमर्शियल बैंकों का अकाउंट किसके पास में होता है आर के पास में हमारा कस्टमर्स का अकाउंट डायरेक्टली एस के पास में नहीं होता हमारा अकाउंट किसके पास में होता है कमर्शियल बैंकों के पास में होता है हम क्या देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंकों का अकाउंट कहाँ पे हो रहा है आरबीआई का कोई क्या कमर्शियल बैंक भी यहाँ पर सेविंग खाता खुलवाते क्या नहीं देखो कमर्शियल बैंकों को एक राशि सी के रूप में यहाँ पर रखनी पड़ती है ये किसकी राशि है कमर्शियल बैंकों की राशि जो कि किसके पास में जमा रहती है यहाँ पर आर के पास में जमा रहती है इसी राशि की मैं बात कर रहा हूँ इसी अकाउंट की मैंने क्या कर रहा हूँ यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हमको कुछ यहाँ पर लोन की जरूरत पड़ी हम कमर्शियल बैंक के पास में जाएंगे कमर्शियल बैंकों को अगर कुछ लोन की जरूरत पड़ती है तो वो किसके पास में जाते हैं यहाँ पर आर के पास में यहाँ पर जाते हैं वही अगर मैं बात करता हूँ वही अगर मैं बात करता हूँ आर जो भी पॉलिसी लेकर आएगा वो सब पॉलिसी किसके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा कमर्शियल बैंकों के लिए एप्लीकेबल हो कमर्शियल बैंकों की जो भी पॉलिसी होगी फिर वो अलग अलग होगी जो कि अलग अलग हम लोग क्या देख रहे हैं अलग अलग बैंकों की अलग अलग कस्टमर के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं अलग अलग दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं अलग अलग जैसे एस है उसकी पॉलिसी कुछ अलग होगी जैसे हम क्या देख रहे हैं एच डी है उसकी पॉलिसी क्या होगी अपने ग्राहकों के लिए अलग होती तो हम क्या देख रहे हैं कि जो भी पॉलिसी मेकर है वो टॉप पे यहाँ पर क्या है आर और हम क्या देख रहे हैं बॉटम में हम लोग क्या देख रहे हैं आर ने जैसे ही पॉलिसी यहाँ पर चेंज किया कमर्शियल बैंक भी अपनी नई पॉलिसी यहाँ पर क्या कर देते हैं तुरंत यहाँ पर बदल देते हैं तो हम क्या देख रहे हैं आर जो है वो डिफरेंट रेट्स के थ्रू आर जो है मैंने क्या बोला है यहाँ पर डिफरेंट रेट्स के थ्रू मनी uh, सप्लाई को यहाँ पर कंट्रोल करने का क्या करता है यहाँ पर काम करता है तो डिफरेंट रेट्स के थ्रू जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर कौन कौन सा रेट है यहाँ पर बैंक रेट हो गया रेपो रेट हो गया रिवर्स रेपो हो गया ऐसे अलग अलग यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं मनी सप्लाई को यहाँ पर मेंटेन करने का क्या करता है यहाँ पर काम करता है तो हम क्या देखते हैं कि अगर आरबीआई के पास में से एक भी पैसा कैश के रूप में यहां पर किसके पास में आया कमर्शियल बैंक से हाँ से से नीचे आया दैट दैट अगर के हाथ कैश यहां पर छूट रहा है तो मार्केट में जितनी पहले मनी थी वो मनी में और भी क्या होगा यहां पर इजाफा होगा तो दैट मीन्स हम लोग क्या देखेंगे कि मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी और भी इंक्रीज होगी मुद्रा की तरलता और भी क्या हो जाएगी यहां पर बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब उस कंडीशन में इन्फ्लेशन क्या होगा यहां पर इंक्रीज होगा ठीक है अगर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कमर्शियल बैंक या हम लोग क्या देख रहे हैं जैसे सपोज करो कि कमर्शियल बैंकों ने यहां पर रेपो रेट क्या कर दिया यहां पर इंक्रीज कर दिया ये हम लोग आगे के चैप्टर में यहां पर पढ़े आ, पढ़ेंगे कि क्या होता है रेपो रेट क्या होता है यहां पर रिवर्स रेपो रेट तो जैसे कि मैंने क्या बोला कि कमर्शियल बैंकों को जब लोन की जरूरत पड़ती है तो किसके पास में जाते हैं यहाँ पर आर के पास में ठीक है ये यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई चार्ज करता है किसको किसके ऊपर में कमर्शियल बैंक को

जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चार परसेंट रेपो रेट है या रेपो रेट की जो दर है वो कम है दैट मीनस कमर्शियल बैंकों को सस्ते में क्या मिलेगा यहां पर लोन मिलेगा और जब सस्ते में लोन मिलता है तो हम क्या देखते हैं कोई भी जो कस्टमर रहेगा वो तेजी से यहां पर लोन लेने यहां पर पहुंचेगा सपोज करो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं अगर होम लोन रेट को यहां पर सात आठ परसेंट से यहाँ पर सीधा एक परसेंट में ले सभी लोग क्या सोचेंगे यहाँ पर कि जो घर मैं यहाँ पर पांच साल बाद में बनाने वाला था चूंकि उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर बैंक कम चार्ज कर रहा है तो हम आज ही यहाँ पर बैंक के पास में पहुंचते हैं और वहां से लोन लेकर हम अपना घर बनाना क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं जब रेट ऑफ करंट इंटरेस्ट यहाँ पर कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही रेपो रेट यहां पर कम हुआ ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल बैंक और कस्टमर भी हम लोग क्या देख रहे हैं लोन लेने के लिए पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा मनी का फ्लो कहां पर होने लगा नीचे होने लगा क्योंकि ये हमेशा डिमांड जब भी होगा वो कौन से फॉर्म में होगा कैश के फॉर्म में होगा तो लिक्विडिटी क्या होगी यहां पर बढ़ेगी तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं कि अगर आरबीआई के हाथ से एक रुपया भी कैश में यहां पर छूटता है तो लिक्विडिटी क्या होती है है पर बढ़ती है। और वही हम लोग क्या देख रहे हैं अगर रेपो रेट यहां पर बढ़ जाए चार परसेंट से पांच परसेंट कर दें तो कमर्शियल बैंक भी यहां पर पर कस्टमर के लिए अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे यहां पर बढ़ा देंगे तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये रेपो रेट यहां पर चार से पांच परसेंट कर दिया तो कमर्शियल बैंकों को ज्यादा पैसा किसको चुकाना पड़ेगा आरबीआई तो वो कस्टमर से भी यहाँ पर ज्यादा पैसा क्या करेगा वसूलेगा सोरेगा कि नहीं तो धीरे-धीरे दीर हम लोग क्या देख रहे हैं अगर आरबीआई के पास में कैश के फॉर्म में पैसा यहां पर पहुंच रहा है तो लिक्विडिटी कम होगी अगर आरबीआई के पास से हम लोग क्या देख रहे हैं एक भी पैसा कैश के रूप में नीचे की ओर छूटा तो लिक्विडिटी क्या होगी बढ़ेगी एक एग्जांपल दूंगा मैं यहां पर कि हम लोग देवी देवताओं का फ़ोटो हम लोग यहाँ पर देखते हैं लक्ष्मी माता जी को आप लोग क्या करेंगे एज्यूम करेंगे लक्ष्मी माता जी देखे होंगे काफ़ी सारे फ़ोटो में हाथ ऐसे किए हुए होती हैं और उनके हाथों से बहुत सारे धन की वर्षा होती है तो अगर वो लक्ष्मी माता जी की जगह में हम आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पर बात करेंगे जो कि भाई देवी लक्ष्मी का ही यहाँ पर रूप है जो पूरे देश के लिए यहाँ पर आ, मनी को यहाँ पर क्या कर रहा है यहाँ पर रेगुलेट कर रहा है अगर उनके हाथ से यहाँ पर कैश छूटेगा तो नीचे धन भंडार क्या होगा बढ़ेगा दैट मीन्स मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी यहाँ पर इंक्रीज होगी लेकिन अगर उस फोटो को रिवर्स सोचो तो वो अगर सपोज करो कि पैसे खींच रहे हैं तो नीचे धन धन में भंडार की क्या होगी यहाँ पर कमी होगी तो आरबीआई का भी जस्ट यही काम है कि अगर देखिए जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो ज्यादा से ज्यादा लोन यहां पर लोग लेते हैं और वो मनी सप्लाई क्या होता है मार्केट में यहां पर इंक्रीज होता है वही जब उनको यहां पर पैसे की कमी करने रहती है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देता है इंक्रीज कर देता है और ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर लोन चुकाने लगते हैं और वापस से वो पैसा किसके पास पहुंचता है आरबीआई के पास पहुंचता है? है लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देखे हैं देख रहे हैं कि यदि आप अपने बैंक के मांग खाते से यहां पर क्या रहे? निकाल रहे हैं एक लाख रुपए निकाल रहे हैं दैट मीन्स आप केवल किससे डील कर रहे हैं यहां पर कमर्शियल बैंक से डील कर रहे हैं वो ऑलरेडी पैसा पहले से ही कहां पे है यहाँ पर मार्केट में है दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं इससे कोई भी लिक्विडिटी में फर्क में यहाँ पर नहीं पड़ेगा क्योंकि लिक्विडिटी में फर्क तब पड़ता है जब कमर्शियल बैंकों से पैसा कहां पे जाता है यहां पर आरबीआई के पास में या आरबीआई से पैसा कहां पे आता है यहाँ पर कमर्शियल बैंक यहां से हम क्या देख रहे हैं पैसे का फ्लो कहाँ पे हो रहा है कमर्शियल बैंक से किसके पास में हो रहा है कस्टमर और वो भी अपने स्वयं का ही पैसा क्या कर रहे हैं यहां पर मांग रहे हैं तो दैट मीनस हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा की समग्र पूर्ति क्या रहेगी यहां पर अपरिवर्तित रहेगी क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है यहां से कोई भी क्वेश्चन फिर आपका यहां पर गलत नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है तीसरा यहां पर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन मुद्रा स्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन रेट क्या हो रहा है यहां पर कम हो रहा है तो इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन रेट की गिरने का निहितार्थ यहां पर क्या है देखो कीमतें गिर गई हैं ठीक है क्या ये सही होगा क्या चलो देखेंगे दूसरा यहाँ पर ऑप्शन क्या बोल रहा है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से यहाँ पर बढ़ रही है चलो इसको भी देखेंगे थर्ड हम लोग क्या देख रहे हैं खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है और चौथा हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर औद्योगिक विकास यहाँ पर गतिहीन तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा है कि मुद्रा स्फीति की दर यहाँ पर गिरने का कारण है सपोज करो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर वर्तमान में इन्फ्लेशन रेट हम क्या देख रहे हैं टेन परसेंट के लगभग यहाँ पर रहा था हम देखते हैं कि तीन महीना के बाद में ये जो रेट ऑफ यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो दस परसेंट से गिरकर कितना हो गया यहाँ पर पाँच परसेंट हो गया क्वेश्चन यही बोला है कि मुद्रा स्फीति की दर गिर चुकी है लेकिन अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि पाँच प्रतिशत की मुद्रा स्फीति वर्तमान में मार्केट में यहाँ पर क्या है अवेलेबल है दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कीमतें गिर गई हैं क्या बिल्कुल भी नहीं अभी भी हम लोग क्या देख रहे हैं कीमतें क्या हुई है यहाँ पर बढ़ी हुई है दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से बढ़ रही है ठीक है तो हम लोग देखे? क्या देखें बिल्कुल ये क्या होगा ऑप्शन यहां पर सही होगा क्यों ऑप्शन पर सही होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं पहले जो कीमतें थे दस परसेंट के रेट से क्या हो रही थी इंक्रीज हो रही थी अभी वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कीमतें जो है वो कितने प्रतिशत के दर से यहाँ पर इंक्रीज हो रही है पांच प्रतिशत के तो तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से यहाँ पर क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है तीसरा खाद्य आपूर्ति बढ़ गई है बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर मुद्रा स्फीति की यहाँ पर क्या कर रहे हैं बात कर रहे हैं औद्योगिक विकास गतिहीन है बिल्कुल हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा स्फीति मनी वगैरह पे क्या डाल रही है यहाँ पर प्रभाव डाल रही है डिमांड सप्लाई के ऊपर में यहाँ पर क्या डाल रही है प्रभाव डाल रही है तो चलो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन केवल क्या होगा यहाँ पर प्रश्न तीन का ऑप्शन दूसरा बस सही है तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं ऑप्शन क्या होगा इसका सी करेक्ट होगा तो ध्यान में रखना मुद्रा स्फीति की दर गिरने का निहतार्थ है कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमी से क्या हो रही है यहाँ पर बढ़ रही है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं निम्न में कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त करता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त करता है तो साहूकार की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कोई एक बॉ यहाँ पर हम लोग क्या किसकी बात कर रहे हैं हम लोग जो लोन यहाँ पर देने वाला है यहाँ पर लोन क्या है साहूकार लोन क्या करता है देता है ऋणी यहाँ पर लोन यहाँ पर लेता है या क्या कर रहा है यहाँ पर बोरो कर रहा है तो यहाँ पर लेंडर की बात कर दी यहाँ पर की यहाँ पर बात कर दी यहाँ पर सेविंग अकाउंट होल्डर की यहाँ पर बात कर दी यहाँ पर पेंशनर के हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए हैं बात कर दिए तो निम्नलिखित में कौन मुद्रा स्पीति सर्वाधिक लाभ यहाँ पर प्राप्त करता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं इन्फ्लेशन कहने का मतलब या मुद्रा स्फीति कहने का मतलब मनी सप्लाई क्या होता है यहाँ पर इंक्रीज होता है मतलब बाजार में हम लोग क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई क्या हुआ है यहाँ पर इंक्रीज हुआ है ठीक है कि नहीं चलो सामान्य समय की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सपोज देख करिए जैसे सौ रुपया यहाँ पर है व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को यहाँ पर सौ रुपया क्या दिया यहाँ पर उधार दिया पाँच प्रतिशत के ब्याज पर ठीक है ना सामान्य समय में मैंने क्या बोला यहाँ पर कि सामान्य समय में व्यक्ति ए ने व्यक्ति बी को क्या दिया सौ रुपया उधार दिया कितने प्रतिशत ब्याज पर पाँच प्रतिशत ब्याज पर ये व्यक्ति बी के पास में जैसे ही सौ रुपया आता है तो वो ये दस मार्कर लेकर आता है जिसका प्राइस कितना होता है दस रुपया दैट मीन्स इसने एक नया यहाँ पर धंधा खोल लिया और यहाँ पर दस रुपये का क्या लेकर आया यहाँ पर दस मार्कर लेकर आया जैसे ही वो यहाँ पर मार्कर लेकर आता है हम क्या देखते हैं कि मार्केट में इन्फ्लेशन क्या हो जाता है यहां पर इंक्रीज हो जाता है दैट मुद्रा स्फीति की दर क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है महंगाई क्या हो जाती है यहाँ पर बढ़ जाती है और उसका दस रुपया का जो मार्कर है वो कितने का हो जाता है यहाँ पर पंद्रह रुपये का हो जाता है तो हम क्या देख रहे हैं कि जब वो ये मार्कर बेचेगा तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं उसको कितना रुपया यहाँ पर प्राप्त होगा एक सौ उसको देना कितना था भाई यहाँ पर पांच इंटरेस्ट के साथ में मतलब हम क्या देख रहे हैं कि 150 में से वो एक सौ अगर रिटर्न कर देता है तब भी उसके पास में कितना रिमेनिंग अमाउंट रहता है पैंतालीस रुपया कहने का मतलब अगर यही मारकर व्यक्ति ए खरीदा रहता तो वह पैतालीस रुपए का प्रॉफिट किसको होता व्यक्ति ए को होता तो कहने का मतलब इस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं जो ऋण देने वाला था उसको क्या हो गया है यहां पर नुकसान और जो ऋण लेने वाला है उसको यहां पर क्या हो गया है मुनाफा हो गया तो कहने का मतलब हम क्या देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त करता है तो कौन लाभ प्राप्त करता है यहाँ पर एक ऋणी व्यक्ति क्या करता है सर्वाधिक हाँ नेक्ष, स्फीति तो कि को किस आधार पर यहाँ पर मापा जाता है तो हम क्या देख रहे हैं हमारे पास में अलग अलग टूल है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थोक मूल्य सूचकांक श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागन लागत सूचकांक और उपयुक्त सभी तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस पर भी मुद्रा या इन्फ्लेशन से रिलेटेड यहाँ पर आंकड़े जारी होते हैं डब्ल्यू या जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पर थोक मूल्य सूचकांक इससे भी रिलेटेड यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं डेटा क्या होते हैं यहाँ पर रिलीज होते हैं श्रमिकों का जीवन निर्वाह लागन सुच, लागत लागत सूचकांक इससे भी रिलेटेड यहाँ पर डेटा क्या होते हैं जारी होते हैं तो भारत में मुद्रा स्फीति की दर की माप किस आधार पर होती है तो उपयुक्त सभी आधार पर यहाँ पर होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं मुद्रा स्फीति के कारण ठीक है तो मुद्रा स्फीति के कारण क्या क्या प्रभाव की यहाँ पर बात की गई है और उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो मुद्रा स्फीति के कारण पहला यहाँ पर ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है दूसरा मुद्रा का मूल्य गिरता है तो हम क्या देख रहे हैं कि मुद्रा स्फीति के कारण बट ऑब्वियस तो हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा स्फीति या जिसका सामान्य यहाँ पर अर्थ है क्या महंगाई की स्थिति सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि मुद्रा स्फीति के कारण महंगाई तो क्या होती है यहाँ पर इंक्रीज होती है लेकिन मुद्रा का मूल्य पे क्या उसका यहाँ पर प्रभाव पड़ता है चलिए हम देखते हैं सामान्य सिचुएशन में अगर मेरे पास में यहाँ पर सामान्य सिचुएशन की जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो सामान्य सिचुएशन में मेरे पास में सौ रुपया है और मैं मार्केट जाता हूँ सौ रुपया को लेकर और बीस रुपये पर के जी का यहाँ पर शक्कर खरीद के लेकर आता हूँ तो उस सौ रुपये में मैं कितने के जी यहाँ पर शुगर या शक्कर खरीद के आऊँगा पाँच के जी है कि नहीं तो हम क्या देख रहे हैं ये सामान्य स्थिति थी लेकिन हम अब क्या देखते हैं कि महंगाई की स्थिति की अब क्या करते हैं यहाँ पर बात करते हैं तो ये कौन सी स्थिति है इन्फ्लेशन की स्थिति है ठीक है कि नहीं तो हम क्या देख रहे हैं कि अब वस्तु का दाम क्या हो गया है यहाँ पर बढ़ गया है तो अब शक्कर की कीमत पच्चीस रुपये प्रति किलोग्राम यहाँ पर हो गया तो अब हमारे पास में केवल कितना किलोग्राम शक्कर आएगा चार किलोग्राम शक्कर आएगा तो दैट मीन्स हम लोग तो क्या देख रहे हैं कि रुपये का ठीक है जो क्रय शक्ति है वो क्या हो गया है यहाँ पर कम हो गया है की क्रय शक्ति क्या हो गई यहां पर कम हो गया है तो ध्यान में रखना हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुद्रा का मूल्य क्या हो चुका है गिर चुका है पहले सेम मुद्रा से ज्यादा सामान हम लोग यहां पर खरीद पाते थे अब सेम मुद्रा से हम लोग केवल चार किलो शक्कर यहां पर क्या कर पा रहे हैं खरीद पा रहे हैं दैट मीन मुद्रा का मूल्य में क्या आ चुकी है कमी आ चुकी है विनिमय दर में यहाँ पर क्या होता है सुधार होता है तो एक्सचेंज रेट पर हम लोग क्या देख रहे हैं सुधार नहीं होता भाई बल्कि हम लोग क्या देख रहे हैं उससे हमारे रुपये की जो वैल्यू है और भी क्या हो जाती है यहाँ पर गिर जाती है

कि यहाँ पर बात की जा रही है निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से यहाँ पर संबंधित है तो देखो अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए कुछ यहाँ पर स्वीकृत मुद्राओं का ही यहाँ पर या प्रचलित मुद्राओं का ही यहाँ पर क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है और ऐसी करेंसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं हार्ड करेंसी या जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं जो हार्डली अवेलेबल हो और जो अलग अलग यहाँ पर देश द्वारा जो वस्तुओं के आयात निर्यात के भुगतान के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा हो ऐसी मुद्रा के अनुपलब्धता की यहाँ पर क्या की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है जैसे हम लोग क्या देखते हैं कि डॉलर लगभग लग लगभग लग प्रत्येक देश द्वारा अलग अलग सामानों के खरीदी और बिक्री के लिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि डॉलर में यहाँ पर क्या किया जाता है भुगतान किया जाता है तो कहने का मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नगदी की समस्या निम्नलिखित में किसके अनुपलब्धता से संबंधित तो किसके अनुपलब्धता से संबंधित है लिक्विडिटी दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है यहाँ पर मनी की बात कर रहा है तो कौन से मनी की बात कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय पोर्टल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कि क्या है प्रचलित है और वो कौन सी मुद्रा प्रचलित है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जिसे हम हार्ड करेंसी के नाम से हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर जानते हैं ठीक है तो ध्यान में रखिए हार्ड करेंसी इज रिलेटेड टू हूम वॉट हम क्या देख रहे हैं इट इज़ रिलेटेड टू हम क्या देख रहे हैं डॉलर और जो यहाँ पर सर्वमान मुद्रा है जो कि इंटरनेशनल ट्रेडिंग के लिए यहाँ पर क्या की जा रही है यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है वही अगर हॉट मनी की अगर बात करते हैं तो जो शेयर मार्केट पर लगता है जिस जिसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है यहाँ पर उसको हम लोग हॉट मनी बोलते हैं तो शेयर मार्केट में लगने वाला पैसा क्या है हॉट मनी यहाँ पर लगने वाला पैसा क्या है हार्ड मनी चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन सा एक कथन आप स्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है तो यहाँ पर बात की जा रही है आप स्फीति की बात की जा रही है या किसकी बात की जा रही है यहाँ पर डिफ्लेशन तो ये जस्ट मुद्रा स्फीति का क्या होता है यहाँ पर अपोजिट होता है यहाँ वस्तु और सेवाओं की तुलना में मनी सप्लाई क्या हो जाता है कम हो जाता है दैट मीन्स आप स्फीति या मुद्रा संकुचन हम लोग किसको कहते हैं जहाँ मैंने क्या बोला वस्तु और सेवा दैट मीन्स गुड्स और सर्विसेस की तुलना में हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर मनी सप्लाई कम हो जाती है दैट मीन्स अब गुड्स और सर्विसेज तो अवेलेबल है लेकिन अब लोगों के पास में पैसे ही नहीं है और जब लोगों के पास में पैसे नहीं हैं तो खरीदी बिक्री क्या हो जाएगी कम होगी और जब खरीदी बिक्री कम होगी तो खरीदी बिक्री बढ़ाने के लिए लोग क्या करेंगे यहाँ पर अपने चीजों के जो भी चीज़ें हैं वस्तुएं हैं उनके दाम को क्या करते जाएंगे यहाँ पर कम करते जाएंगे तो डिमांड और सप्लाई का रूल यहाँ पे भी क्या कर रहा है काम कर रहा है हम क्या देख रहे हैं कि मनी सप्लाई कम होने से डिमांड भी क्या हुआ कम हुआ और जब डिमांड कम हुआ तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर ठीक है आ, कि वस्तुओं के दाम क्या होते जाएंगे यहाँ पर गिरते जाएंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन आप स्थिति का उपयुक्त वर्णन करता है तो चलिए देखते हैं या दूसरी मुद्राओं की तुलना में मुद्रा मान में अचानक आई गिरावट है तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं मनी वैल्यू में आई अचानक क्या है गिरावट है दूसरा देख रहे हैं अर्थव्यवस्था के वित्तीय तथा वास्तविक क्षेत्रों में आई सतत क्या है यहाँ पर मंदी तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है किस में मंदी की बात कर रहा है वित्तीय और वास्तविक क्षेत्रों में आई यहाँ पर सतत मंदी की बात कर रहा है यहाँ माल तथा सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर पर आई सतत क्या है यहाँ पर गिरावट तो बिल्कुल हम लोग क्या देख रहे हैं जैसे मैंने क्या बोला अभी कि अगर मनी सप्लाई कम होगी तो डिमांड क्या होगा कम होगा और जब डिमांड कम होगा तो वस्तुओं के प्राइस क्या होते जाएंगे गिरते जाएंगे इसको ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर अप या फिर डिफ्लेशन का कंडीशन तो ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट होगा चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भारत में मुद्रा स्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है अभी अगेन कौन सा यहाँ पर सिचुएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर इन्फ्लेशन के सिचुएशन की यहाँ पर क्या कर रहा है बात कर रहा है तो भारत में मुद्रा स्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है बिल्कुल नहीं हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा स्फीति पे कंट्रोल करने का फर्स्ट काम कौन करता है यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है सेकंड यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है बिल्कुल भी गलत हम लोग क्या देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट घटा हुआ मुद्रा परिचालन या मनी सर्कुलेशन मुद्रा स्थिति के नियंत्रण में यहाँ पर सहायता करता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन का सिचुएशन क्यों आया था ये हम लोग हमेशा देखते हैं कि गुड्स और सर्विसेज की तुलना में मनी सप्लाई क्या हुई थी इंक्रीज हुई थी तो जब मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है और धीरे धीरे वस्तुओं के प्राइस भी क्या होने लगते हैं यहाँ पर बढ़ने लगते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मुद्रा स्फीति के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि आ, कि अगर मनी सर्कुलेशन हम लोग यहाँ पर कम कर दें घटा हुआ मनी सर्कुलेशन मुद्रा स्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है तो ज़रूर हम लोग क्या देखेंगे कि अगर मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है तो अगर मनी सप्लाई कम कर दे तो स्थिति कैसे में कैसी हो जाएगी नियंत्रित होती होती जाएगी तो ऑप्शन क्या होगा सी क्या होगा इसका यहाँ पर करेक्ट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र को सबसे अधिक यहाँ पर भार दिया गया है तो जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ट्रेडिशनली थोक मूल्य सूचकांक का हम लोग यहाँ पर आ, या होलसेल प्राइस इंडेक्स का हम लोग यहाँ पर प्रयोग करते हुए आ रहे हैं और होलसेल प्राइज इंडेक्स में हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि विनिर्मित वस्तुओं के या विनिर्मित उत्पाद के यहाँ पर भार को यहाँ पर सर्वाधिक यहाँ पर रखा गया है ठीक है कि नहीं तो हम लोग क्या देख रहे हैं ये जो दिक्कत था परंतु जनता हम परंतु हम क्या देखते हैं कि जो जनता है वो खाने पीने वाले सामान की अगर कीमतें बढ़ती है तो उनके पॉकेट पर ज़्यादा क्या पड़ता है इफ़ेक्ट पड़ता है तो कहने का मतलब डब्ल्यू पी आई में एक क्या थी कमी थी जिसको सी ने क्या किया यहाँ पर दूर किया और जो सी है उसमें खाने पीने वाले जो फूड और बेवरेजेस हैं उनके भार को वहाँ पर क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया तो हम क्या देखते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्नलिखित में से एक किस क्षेत्र को सबसे अधिक भार दिया गया तो इसका सही उत्तर क्या होगा विनिर्मित उत्पाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004 हजार से बदल कर क्या कर दिया तो वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि थोक कीमत सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो यहाँ पर आधार वर्ष है वो क्या है अपना 2011-12 तो 2011-12 की कीमतों पर आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं महंगाई की यहाँ पर गणना करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए भार से अधिक है तो अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए कि भाई डब्ल्यू पी में समस्या क्या थी कि डब्ल्यू पी ने यहाँ पर विनिर्मित वस्तुओं के भार को क्या कर दिया था बढ़ा दिया था ठीक है लेकिन एक गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आ, दो वक्त का खाना अपने लिए यहाँ पर अरेंज करती है दैट मीन्स अगर खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ते तो ज़्यादा प्रभाव महंगाई का किसके ऊपर में पड़ता एक गरीब जनता के ऊपर पड़ते थे लेकिन डब्लू में हमने क्या देखा वहाँ पर कि विनिर्मित वस्तुओं का भार क्या कर दिया गया बढ़ा दिया गया जिसके कारण काफ़ी इम्प्योरिटी अपने को देखने के लिए मिल रही और उस दिक्कत को उस कमी को किसने पूरा किया यहाँ पर सी ने और सी में वर्तमान में हम लोग क्या देख रहे हैं कि फूड एंड बेवरेजेस या खाने और पीने की वस्तुओं के दाम को वहाँ पर क्या किए गए हैं या उसके भार को क्या किए गए हैं वहाँ पर बढ़ाए गए तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर सही होगा दूसरा यहाँ पर ऑप्शन है डब्लू सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता जैसा कि सी पी करती एक और डब्लू की क्या कमी थी कि डब्लू जो है वो केवल गुड्स की ही यहाँ पर गणना करता था सेवा को गणना करना उसने यहाँ पर नहीं रखा था दैट मीन्स सेवा गणना करते समय महंगाई की गणना करते समय हम ध्यान में रखना उस कम्युनिटी बास्केट पे ठीक है आ, सेवा से संबंधित वस्तुओं को वहाँ पर शामिल नहीं करता था लेकिन आज के डेट में हम लोग क्या देखते हैं कि लगभग लगभग हम लोग क्या देख रहे हैं कि चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवार हो चाहे वो गरीब वर्गीय परिवार है आज वो टेली या अलग अलग सेवाओं का वो क्या करता है यहाँ पर उपयोग करता है तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर सेवा के भी कीमत यहाँ पर यहाँ पर इंक्रीज होती है तो एक गरीब वर्ग या मध्यम वर्गीय परिवार में खर्च का बोझ क्या होगा यहाँ पर बढ़ता जाएगा तो दैट मीन्स सी ने वस्तुओं के साथ में सेवाओं को भी गणना में महंगाई के गणना में यहाँ पर इस्तेमाल करना क्या किया चालू किया जो कि डब्लू नहीं करता था तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि डब्लू पी सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को नहीं पकड़ता था जैसा कि सी करती है ये भी ऑप्शन क्या होगा अपना करेक्ट होगा तीसरा हम देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रा स्फीति के मुख्य मान हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु तो डब्ल्यू को अपना लिया है ध्यान में रखना हम लोग क्या देख रहे हैं वर्तमान में जो गवर्नमेंट है वो सीपीआई टारगेटिंग का क्या कर रही है यहाँ पर इस्तेमाल कर रही है है ठीक तो ऑप्शन मतलब थर्ड क्या होगा यहां पर स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा तो फर्स्ट और सेकंड बस क्या है यहां पर करेक्ट है तो ऑप्शन क्या होगा यहां पर ए ध्यान में रखेंगे आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहां पर आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है उपभोक्ता उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ती है यदि तो देखो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुद्रा स्फीति की दर कब बढ़ेगी ठीक है तो मुद्रा स्फीति की दर तब बढ़ती है जब हम लोग क्या देख रहे हैं मनी सप्लाई क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि रिवर्स रेपो दर यहाँ पर कम कर दी जाती है तो रिवर्स रेपो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आर ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किसके किसके बीच की बात होती है आर और कमर्शियल बैंक ठीक है ना तो रिवर्स रेपो कहने का मतलब जब RBI को धन की आवश्यकता तो जिस रेट तो अगर इसकी दर कम हो जाएगी तो हम क्या बोल रहे हैं कि दर कम होगी तो आरबीआई कम ब्याज किसको देगा यहां पर कमर्शियल बैंकों को देगा तो इससे मुद्रा पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं गड़बड़ हो जाएगा रेपो रेट बढ़ा दिया जाए देखो रेपो रेट क्या होता है वो रेट जिस पर कमर्शियल बैंक किससे ऋण लेते हैं पर RBI से ऋण लेते हैं तो अगर रेपो रेट यहां पर इंक्रीज कर दिया जाए तो क्या मुद्रा स्फीति बढ़ेगी क्या नहीं बिल्कुल नहीं कमर्शियल बैंक को पास से पैसा और किसके पास में पहुंचेगा यहां पर आरबीआई के पास में पहुंचेगा दैट मीन ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है बैंक दर कम कर दी जाए अब हम लोग क्या देख रहे हैं जब कमर्शियल बैंकों को लॉन्ग टर्म के नीट के यहां पर पूर्ति के लिए यहां पर किसकी आवश्यकता है यहां पर लोन की आवश्यकता है तो ये जो कमर्शियल बैंक है अगेन आर के पास से लिए गए और जिस रेट से यहां पर लोन लिए उस रेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहां पर बैंक में तो बट ऑबियस अगर बैंक रेट कम कर देंगे तो हम क्या देख रहे हैं कमर्शियल बैंकों के पास अब तो पैसा क्या होगा यहां पर रुकेगा तो दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं मुद्रा स्फीति की दर बढ़ेगी यदि बैंक रेट क्या कर दिया जाए यहां पर कम कर दिया जाए तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका यहां पर करेक्ट होगा चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में कर्मचारियों के महं, महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई जितने भी यहां पर कर्मचारी हैं, भाई बंधु हैं उनके जो महंगाई भत्ता है वो ध्यान में रखना वो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर यहाँ पर निकाले जाते हैं तो ध्यान में रखना सीपीआई ठीक है जो इंडस्ट्रियल वर्कर आईडब्ल्यू जो इंडेक्स है इसके आधार पर यहाँ पर लोगों की यहाँ पर आ, महंगाई भत्ते की यहाँ पर निर्धारण की जाती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं उत्पादक कीमत सूचकांक यहाँ पर मापता है तो यहाँ पर हम लोग फिर बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्पादक कीमत सूचकांक उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के औसत परिवर्तन को बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही होगा क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं उत्पादन कीमत सूचकांक की अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं या प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं

पर गणना करने का यहाँ पर आधार वर्ष है तो हम लोग क्या देख रहे हैं अगर सी इंडेक्स की हम लोग बात करते हैं तो इसका आधार वर्ष है वर्तमान में दो ठीक है कि नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोर इन्फ्लेशन या कोर मुद्रा स्फीति के मापते समय किन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता अभी कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं कि देखो जब इन्फ्लेशन की गणना यहाँ पर कर रहे हैं या जब महंगाई की गणना करते हैं हम लोग तो ऐसे वस्तुओं के को गणना करते समय यहाँ पर छोड़ दिया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल होती हैं ठीक है कि नहीं जैसे हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर ईंधन हो गया और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो हम लोग क्या देख रहे हैं महीने महीने और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल वो, होती है और काफ़ी अलग अलग फैक्टर पर क्या करती है निर्भर करती है तो चूंकि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ्लक्चुएट करता है इनका यहाँ पर मूल्य तो हम क्या देख रहे हैं गणना करते समय इनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर कोर मुद्रा स्फीति तो कोर मुद्रा स्फीति के मापन के समय किन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता तो ध्यान में रखना ईंधन एवं खाद्य वस्तुओं को यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता तो हम यहाँ पर मुद्रा स्फीति और उसको मापन से संबंधित यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्नावली को हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है महत्वपूर्ण है अगर मुझसे ये पूछा जाए कि अगर पूरे अर्थव्यवस्था में कहाँ से आ, पहला क्वेश्चन देना चाहिए तो मैं यहाँ पर पहला मेरा पसंद रहता ये मुद्रा स्फीति वाला चैप्टर जिससे देश के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर हद तक क्या होता है यहाँ पर पता चलता है तो कहने का मतलब ये जो चैप्टर था काफ़ी इम्पोर्टेंट था और इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर में काफ़ी अलग अलग और इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको हमने यहाँ पर क्या किया कवर किया तो उम्मीद है आशा है आपको ये मुद्रा स्फीति से संबंधित जो भी यहाँ पर प्रश्नावली हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया है वो आपको क्लियर होगा और आपके प्रिलिम्ब में आपको यहाँ पर मदद करेगा तो आगे के यहाँ पर अर्थव्यवस्था की क्लास के लिए बने रहिए है कॉम्पिटिशन कम्युनिटी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में धन्यवाद